कह दिया, दूसरा विंटर प्रिपेयरनेस के लिए आपकी जो तैयारी है, जैसे इतने इतने पोल है, इतने मीटर के हैं, इतना बैंक है, इतना ये है, इतना ये है, वो सारा बना के ऑर्डर करके ये हमारे एडीसी साहब को दे दो, ताकि हम जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें ये सारी आप लोग भी कंप्लायंस देते हो कि हम ट्रांसफार्मर जो है सिटी में विद इन डे करते हैं, और अगर मंडी लोडर वाले को जरूरत है तो उसको पहुंचाना पड़ेगा। नहीं सर, वहाँ तक तो असल में फायर ग्रुप का तो यहाँ से कोई ले जाने का मामला नहीं है, वो तो वहीं से ही लेते हैं। तो दूसरा आपकी जो फ्राइज फूड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या स्टार्टिंग है, उसकी भी एक डिटेल बना के देखो दे दीजिए, पर उनका एक कोई लिस्ट वगैरह को बना के बना लीजिए, इसको लेबर वाले को लगाइए, लेबर सराय भी है ना जहाँ वहां गरीब लोग होते होंगे, तो विंटर में हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद रहनी चाहिए, ये काम करने चाहिए, इस किस्म के काम जो है अगर वो रेट ज्यादा बढ़ गया तो गिर सकते, तो वो वाला जो है ये देखिए आज की जो मीटिंग है, हमने विंटर प्रिपेयरनेस को लेकर जो मुनक्कद की थी, चूंकि विंटर जो है वो शुरू हो गई है, तो जितने भी एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं उनकी क्या तैयारियां रहती हैं विंटर को लेकर, उसका एक जायजा लेने के लिए आज की मीटिंग की है। इसमें सभी एसेंशियल डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो आए थे, जहाँ जहाँ चाहे वो बिजली के हों, पानी के हों, हेल्थ के हों, रोड इसके रोड्स के हों, मैकेनिकल के हों, या दूसरे डिपार्टमेंट जैसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो उनका विंटर को लेके क्या तैयारियां रहेंगी और उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं विंटर को टैकल करने के लिए, सभी का जायज़ा लिया गया है। उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि 24/7 जो कंट्रोल रूम बनाएंगे और रिस्पॉन्स जो है वो उनसे रिस्पॉन्स के लिए स्पेशल टीम्स रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा प्लान बना के हम इसको कंपाइल करके सोशल मीडिया पे भी डालेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है उस पर भी डालेंगे, लोगों के उसमें पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे, ताकि लोग जो हैं डायरेक्टली भी उसको कंट्रोल रूम को अप्रोच कर सकें और उनके जो ग्रीवेंसेस रहेंगे आने वाले विंटर में उनको रिट्रेस करवा सकें। तो इसकी एक मॉनिटरिंग चलती रहेगी, हम भी देखते रहेंगे, जहां अगर कोई गैप मिलेगा तो उसको भी प्लग कर लेंगे। इसी सिलसिले में आज जो जहां कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हमने जो वो मुनक्कद की थी और उसका जायजा लिया था।